हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है एंड आई एम एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पे है, मेलाज्मा, जिनको हम हिंदी में जाइयां भी बोलते हैं। उसमें पिगमेंटेशन आ जाता है हमारे सेंटर फेस पे, मेनली मालार एरिया पे और हमारे फोरहेड पे। ये जो है मेन पार्ट्स होते हैं जहाँ पे मेलाज्मा आ जाता है, और ये ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ तक आ सकता है और पूरे फेस पे भी मेलाज्मा आ सकता है। अब मेलाज्मा का ट्रीटमेंट बहुत से लोग बहुत तरह से कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम झेल रहे हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है या नहीं, सही होंगी या नहीं होंगी और ये क्यों होती है। इन सब बातों का जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है और कैसे होता है। जब हम मेलाज्मा की बात करते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन, जो हम हाइपर पिगमेंटेशन ये होता है जब पिगमेंट ज़्यादा हो जाती है, उस चीज़ को हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। फेस में जब पिगमेंट ज़्यादा हो देन द अदर एरिया, उस चीज़ को हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। और उसमें से एक कारण जो है वो मेलाज्मा होता है, जिसके बाकी भी बहुत सारे कारण होते हैं कि फेस में कलर जो है वो हाइपर पिगमेंटेड आया किसी पॉइंट पे। उसके और भी कारण होते हैं जिसमें से एक मेलाज्मा है। मेलाज्मा में ये होता है कि यूवी रेडिएशन जो हमारे फेस पे पड़ती है, अब वो सन एक्सपोजर से पड़ती है मेनली, लेकिन बाकी की जो लाइट्स वगैरह होती हैं उनसे भी यूवी रेडिएशन आती है। जब ये रेडिएशन आती है तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। मान लो सन से जो है हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं, अगर वो हार्मफुल रेडिएशन आ रही हैं तो हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करती है अपने आप को उन रेडिएशन से बचाने के लिए कि वो रेडिएशन अंदर ना जाए और अंदर जाके वो हमारी स्किन को डैमेज ना करे, हमारी कोई स्किन की मैलिग्नेंसी ना हो, कोई हार्मफुल इफेक्ट उन रेडिएशन का अंदर ना हो, तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है मेलानिन नाम की पिगमेंट। जब इसकी रेडिएशन ज़्यादा होगी तो मेलानिन की प्रोडक्शन बॉडी बढ़ा देती है, और जब वो मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ने लगता है फेस पे, उस चीज़ को हम कॉस्मेटिकली जो है वो देखने में बहुत बेकार लगता है और हम उसको मेलाज्मा कहते हैं। अब ये है कि एक मैं हूँ, एक कोई और है, हम दोनों पे सेम रेडिएशन पड़ रहा है, तो फिर वो बोलता है कि भाई मुझे ही क्यों हो रहा है, साथ वाला भी तो है, उसको क्यों नहीं हो रहा है। बट हम लोगों का जो जीन्स है उस पर ये डिपेंड करता है। कुछ लोग जो हैं प्रोन रहते हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री रहती है मेलाज्मा की, अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तब भी जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोन हो सकता है, उसके जीन्स उसको प्रोन बना सकते हैं कि अगर रेडिएशन आ रही है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो। और ये हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है, हार्मोनल लेवल जब चेंजेस होते हैं, एक्चुअली में जीन्स हमेशा हार्मोन को ही मेन जीन्स होते हैं और वो हार्मोन के थ्रू ही अपने काम करवाते हैं, लेकिन कई बार हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तब भी जो है हमारी स्किन पे मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। मेलानिन प्रोड्यूस होती है तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, हार्मफुल रेडिएशन को, और जो रेज हार्मफुल रेडिएशन है वो अंदर नहीं जाती, उनके साइड इफेक्ट कम होते हैं। तो मेलाज्मा का बेनिफिट तो होता है कि वो रेडिएशन अंदर नहीं जा रही, बट कॉस्मेटिकली बहुत ज़्यादा और दिखती है मेलाज्मा, जाइयां जाइयां दिखती हैं, तो वो हमें काफ़ी प्रॉब्लम करती है। तो इन सारी बातों से हमें थोड़ा तो ये समझ में आया कि रेडिएशन से बचाने के लिए आ रहा है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, क्योंकि हम जाइयां भी नहीं चाहते और हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं उन सारी हार्मफुल रेडिएशन से। तो सॉल्यूशन क्या है, तो हम सॉल्यूशन की जब आप बात करते हैं, मेलाज्मा का ट्रीटमेंट एकदम पॉसिबल है। हमने यहाँ पे बहुत से लोगों को ट्रीट किया है, मेलाज्मा एकदम चला जाता है, बट उसमें एक शर्त रहती है मेलाज्मा के ट्रीटमेंट में हमेशा, कि जब चला जाए उसके बाद भी आपको जो है ये सारी रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, और वो भी लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग आपको जो है अपनी स्किन की केयर करनी पड़ेगी कि हार्मफुल रेडिएशन जो लाइट्स है, मेनली सन एक्सपोजर जो है और बाकी ये लाइट्स भी हैं, उनसे जो है कम से कम एक्सपोजर हो, और उसको प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेन जो फर्स्ट है वो आपको वैसे ही जो है अवॉइड करना चाहिए, यूवीबी रेडिएशन जो है उससे मेलाज्मा कम होता है, लेकिन यूवीए रेडिएशन जो है मेन फैक्टर रहता है मेलाज्मा के लिए। तो यूवीए से प्रोटेक्ट करने वाली हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए, लेकिन सनस्क्रीन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको लाइट्स और सन एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए खुद से ही फिजिकली। बेशक आप उस टाइम को अवॉइड करिए और आप अपने फेस पे स्कार्फ बांधिए या ऐसा मास्क पहनिए जो उस एरिया में लाइट ना पड़े।
अब बहुत से लोगों को ये लगता है मैं तो बहुत कम जाता हूँ, मैं बहुत कम जाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को तो हो रहा है और बाकी जो लोग इतना करते हैं तब भी नहीं हो। वो आपकी स्किन के अडेप्टेशन पे डिपेंड करता है, कम जाने पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपोजर देखा जाता है वो क्यूमुलेटिव देखा जाता है कि आपने पूरी बॉडी जो है ये देख रही है कि पूरा जो आपकी लाइफ है उसमें आपका कितना सन एक्सपोजर हो रहा है और कितना सन एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ। अगर आपका मेलाज्मा ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, केमिकल पील होती है, मेडिसिन होती हैं, और काफी मेडिसिन हैं, लेजर है, काफी सारे ट्रीटमेंट है मेलाज्मा ट्रीट करने के लिए। बस मेन बात जो है उसके बाद उसको प्रोटेक्ट रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और वो एक ही एक चीज हो सकती है, लाइट से बचाना, जिसमें सबसे पहले आपको खुद से प्रोटेक्ट करना है, सन एक्सपोजर अवॉइड करना है, और जो है हार्मफुल रेडिएशन जो आ रही है तो सनस्क्रीन डेली लगानी है। अब ये मिजनमर है, उसका नाम सनस्क्रीन है तो वो सन से प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन जो हमारी ये नॉर्मल लाइट्स हैं इनसे भी यूवी रेडिएशंस निकलती हैं, सनस्क्रीन जो है उनसे भी प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि जब ये बोला जाता है मेरे को कि मैं तो कभी कभार बाहर जाती हूँ तो मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, ऐसे भी नहीं होगा कंट्रोल। उतने में आपको डेली उतना एक्सपोजर हो जाता है और वो धीरे धीरे उतना होता जाता है, तो आपका मेलाज्मा आना ही आना है कंपलसरी। तो सनस्क्रीन जो है वो डेली लगाना है, चाहे आप घर पे हैं तब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सनस्क्रीन डेली लगानी है, इवन आप घर पे हैं तब भी। और जो उसके बाद सनस्क्रीन और आप एक डी पिगमेंटिंग एजेंट बाद में मेंटेनेंस के लिए लगा सकते हैं, आपका मेलाज्मा जो है एकदम कंट्रोल में रहेगा। ये सारी चीजों से मेलाज्मा का ट्रीटमेंट होता है। सेकंड थिंग आती है कि सनस्क्रीन लगानी कैसे है, कितना लगाना है, ये सारी बातें जो है हमने सनस्क्रीन वाले हम वीडियो में बताया था, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब सनस्क्रीन को लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना सा लगा लेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत अच्छे से, इवन सनस्क्रीन का नाम SPF SPF भी सब बोलते हैं। तो SPF की जब हम बात करते हैं, SPF क्या होता है, UVA क्या होता है, PA++ स्केल क्या होता है, इन सब बारे में भी आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, वो सनस्क्रीन वाली वीडियो आप जरूर देखिए। कितने अमाउंट लगाना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रीटमेंट में, कि जब आप उतने अमाउंट लगाएंगे उतनी कितनी देर बाद उसका इफेक्ट स्टार्ट होगा और कब तक उस सनस्क्रीन का इफेक्ट रहेगा, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अदरवाइज आपको सनस्क्रीन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फाइनल अगर इसको कंक्लूड करें गाइस, तो मेलाज्मा जो है मेलानिन का हाइपर प्रोडक्शन होता है, मेलानिन पिगमेंट होती है वो मेलानोसाइट से प्रोड्यूस होती है, और वो ज्यादा हो जाती है हमारे किस पार्ट में, जहां पे हमारी UVA की रेडिएशन ज्यादा बढ़ती है, सन एक्सपोजर ज्यादा होता है, या UVA की रेडिएशन हमारे फेस में जहां ज्यादा पड़ती है वहां पे मेलाज्मा नाम की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम झाइया बोलते हैं। इलाज क्या है, इलाज मेलाज्मा हटाने के लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं, जो कि आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं या हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, फिर उसको अब ठीक होने के बाद मेंटेन कैसे करना है, अगर अब आपको हो गया है मेलाज्मा तो उसको ठीक हो गया, अब उसको मेंटेन कैसे रखना है, उसके लिए जो है अवॉइड करना है, लाइट अवॉइड करनी है, सन एक्सपोजर अवॉइड करना है, सनस्क्रीन डेली लगाना है, एक डी पिगमेंटिंग एजेंट डेली लगाना है। इतना आप करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपका मेलाज्मा एकदम कंट्रोल रहेगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस।